आप देख रहे हैं आप राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के राजसमंद जिले के मुरजाफ्तों के गुड़ा गांव के 16 साल के तेज गेंदबाज भरत सिंह अचानक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों पर आ गए हैं। भरत सिंह का अपने खेत में गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस प्रतिभावान क्रिकेटर के सपने साकार करने की मदद का आग्रह किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत ही जरूरी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि भरत सिंह की गेंदबाजी की तारीफ करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ और लिखा गया कि उसे प्रोफेशनल मदद मिल जाए तो ये देश के लिए अच्छा गेंदबाज साबित हो सकता है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने ट्वीट का जवाब दिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया कि इसके सपने को साकार किया जाए। फिर अशोक गहलोत ने आनन फानन में राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना से संपर्क किया और अब भरत सिंह को जयपुर ले जाया जाएगा, जहां वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीएम हाउस में मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें ये खबर राजसमंद से है, जहां सीएम गहलोत से गेंदबाज मुलाकात करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और जिसके बाद सरकार ने मदद की पहल की है। तो वहीं सीएम गहलोत ने कलेक्टर को फोन लगाया और अब आपको बता दें कि जल्द ही सीएम गहलोत इनसे मुलाकात भी करेंगे। क्रिकेट खेलने की प्रेरणा तो सर मैं जब एक बार मैच देखता था तो इंडिया के और पाकिस्तान के मैच चल रहे तो उस समय मैच देखता था तो मैंने सोचा कि मेरे को भी ऐसा बॉलर बनना है। उस टाइम मैंने सोचा और फिर मैंने गांव में लोग भी बच्चे खेलते थे मेरे साथी तो उनके साथ खेलता था। फिर मैंने लगभग 5वीं कक्षा से मैंने हाथ घुमा के बॉलिंग सीख ली और फिर मैं लगातार बॉलिंग करता रहा टेनिस से ही और अभी 1.5 से 2 साल हो गया तब मैं लेदर से चालू की। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तत्वाधान में महिलाओं के द्वारा पैदल रैली निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं रैली में शामिल हुई और इस रैली के समापन पर नई उमंग आजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति का उद्घाटन किया गया। समिति के उद्घाटन समारोह में महावीर सुकराई ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस समारोह में स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो आपको बता दें कि महिलाओं ने रैली निकाली और इस रैली में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि इसमें सहकारी समिति का उद्घाटन भी किया गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर महिलाओं ने रैली निकाली तो वहीं इस रैली में स्थानीय लोग भी शामिल हुए हैं। शहर काजी हाजी मुश्ताक अहमद का निधन हो गया। 74 वर्षीय मुश्ताक अहमद पिछले 58 वर्षों से शहर काजी के रूप में काम कर रहे थे। समाज सेवी और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने वाले मुश्ताक अहमद के निधन पर पूरे मुस्लिम समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। मुश्ताक अहमद के निधन पर कई गणमान्य लोगों ने दुख जताया। तो बीकानेर से खबर आपको बता दें जहां पर काजी हाजी मुश्ताक अहमद का निधन हो गया तो वहीं सामाजिक लोगों और नेताओं ने अपनी संवेदनाएं जताई तो वहीं उनके निधन के बाद से मुस्लिम समुदाय में भी शोक की लहर देखने को मिली है। तो वहीं सामाजिक लोगों और नेताओं ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। आपको बता दें कि पिछले 58 वर्षों से काजी हाजी मुश्ताक अहमद शहर के काजी के रूप में थे और मुस्लिम समुदाय में अब शोक की लहर देखने को मिल रही है।
पाकिस्तान के शाह इमाम शेर काजी साहब का इंतकाल हो गया। इससे बीकानेर को नहीं बल्कि पूरे राजस्थान हिंदुस्तान में एक शौक की लहर है। मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जन्नत की फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। धौलपुर जिले में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते आज दूसरे दिन भी चोरों ने शहर के मुख्य बाजार में दो दुकानों के ताले तोड़े हैं। एक दुकान से चोर चोरी करने में जरूर नाकाम रहे तो वहीं दूसरी परचून की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ करते हुए हजारों की नगदी सहित महंगी मेवाओं और घी के पीपे पर हाथ साफ कर दिया। मामले की सूचना स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस को दी है तो वहीं शहर के मुख्य बाजार में इस प्रकार की चोरी की घटना से व्यापारियों ने पुलिस की गश्त व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो ये खबर आपको बता रहे धौलपुर से, जहां दो दुकानों पर ताला तोड़कर चोरों ने सेंध मारी है। तो वहीं आपको बता दें कि एक परचून की दुकान से चोरों ने कई सामान पर हाथ साफ किया है, तो वहीं ऐसे में पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी लोगों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि धौलपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चप्पल मिला है, 10-15 किलो करीब तो घी ले गए और 5-6 हज़ार रुपये दे गए थे उसको बल्ले गए और क्या कहते हैं सामान बल गए, लेकिन मसाला चावल कटे गए 20 रुपये बल्ले रखे थे। आपको कब पता पड़ा? अभी आया मैं घर से। अलवर के थाना गाजी क्षेत्र के माधुरी गांव में एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही महिला ने जहर खाने की जानकारी परिजनों को लगी तो वो उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतका के पिता सुभाष कुमार ने बताया कि उसकी बेटी पिंकी प्रजापत की करीब 9 साल पहले थाना गाजी के माधुरी गांव निवासी जंगली राम प्रजापत के साथ शादी की थी। जंगली राम मजदूरी करता था और मृतका के एक बेटा और बेटी है। उन्होंने बताया कि अभी मौत के कारणों का पता नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। अलवर से खबर आपको बता दें, जहां पर थाना गाजी क्षेत्र के माधुरी गांव में एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं आपको बता दें कि जैसे ही महिला के जहर खाने की जानकारी परिजनों को लगी तो महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं मृतका के पिता सुभाष कुमार ने बताया कि उसकी बेटी पिंकी प्रजापत की करीब 9 साल पहले थाना गाजी की माधुरी गांव निवासी जंगली राम प्रजापत के साथ शादी की थी और जंगली राम मजदूरी करता है। मृतका का एक बेटा और बेटी है। उन्होंने बताया कि अभी मौत के कारणों का पता नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। फोन गया था मेरे पास, भाई ये काम हो गया और आप आ जाओ, बस इतना सा समाचार, कोई दूसरा समाचार नहीं है। मेरे को तो ये भी नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं और क्यों हुआ। राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में जेडीए ने राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय को कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए नॉलेज सिटी नॉर्थ चौंप योजना में 97,000 संस्थानिक भूखंड का निशुल्क आवंटन किया। जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सक्षम स्तर पर लिए गए फैसले के अनुसार राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय को राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना 97,000 वर्ग मीटर भूमि निशुल्क आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिस क्रम में राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय के कुलसचिव अबू सुफियान चौहान को पट्टा दिया गया। तो कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और साथ ही आपको बता दें कि इसकी स्थापना के लिए 97,000 वर्ग मीटर की भूमि का आवंटन किया गया, तो वहीं कुल सचिव को पट्टा भी दिया गया है।
जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में जेडीए ने राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय को कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए नॉलेज सिटी चुंप योजना में 97,000 स्थानीय भूखंड का निशुल्क आवंटन किया है। तो जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सक्षम स्तर पर लिए गए फैसले के अनुसार राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय को राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना 97,000 वर्ग मीटर भूमि निशुल्क आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वहीं इस क्रम में राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय के कुलसचिव अबू सुफियान चौहान को पट्टा भी दिया गया। बीकानेर में जिला कलेक्टर की पहल पर चलाए जा रहे सख्ती अभियान के तहत आज 3,500 सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच एक ही दिन में संपन्न कराई गई। जेएनएम एएनएम एवं नर्सिंग विद्यार्थियों सहित कुल 43,000 लोगों की टीम ने इस कार्य को अंजाम दिया। टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर जिन छात्राओं का हीमोग्लोबिन कम आया उनका स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इलाज करवाया जाएगा। तो बीकानेर से खबर आपको बता दें, जहां पर शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया और छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच भी की गई। तो साथ ही आपको बता दें कि इस शक्ति अभियान के तहत 3,500 सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच एक ही दिन में संपन्न कराई गई। जीएनएम एएनएम एवं नर्सिंग विद्यार्थियों सहित कुल 43,000 लोगों की टीम ने इस कार्य को अंजाम दिया और टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर जिन छात्राओं का हीमोग्लोबिन कम आया है उनका स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इलाज करवाया जाएगा। तो बीकानेर से खबर आपको बता दें, जहां पर शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया, तो वहीं आपको बता दें कि इस अभियान के तहत छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गई और साथ ही साथ आपको बता दें कि कलेक्टर की पहल पर यह शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। तो वहीं इस शक्ति अभियान के तहत 3,500 सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच एक ही दिन में संपन्न कराई गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गई। तो वहीं आपको बता दें कि जीएनएम एएनएम एवं नर्सिंग विद्यार्थियों सहित कुल 43,000 लोगों की टीम ने इस कार्य को अंजाम दिया। तो वहीं टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पर जिन छात्राओं का हीमोग्लोबिन कम आया है उनका स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इलाज करवाया जाएगा। बालिकाओं किशोरियों का ब्लड टेस्ट हीमोचेक के माध्यम से किया और इस टेस्ट के बाद जिनका स्तर वैसा होगा जो चिंताजनक है जिन्हें हमें ट्रीट करना है उनको हम फॉलोअप करेंगे। उनके नाम, उनके माता पिता का नाम, एड्रेस आदि हमने आज ले लिए हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, आईटी का यूज करते हुए हम इनको ट्रैक करेंगे। अलवर जिले के रामगढ़ में गुरुद्वारे के पूर्व ग्रंथी के केश काटने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते बदले की भावना को लेकर घटना को अंजाम दिया गया था। घटना का अभी एक आरोपी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 21 जुलाई को पूर्व ग्रंथी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया था। दरअसल पीड़ित गुरुबख्श ने दलबीर को अपना भाई बना रखा था। दलबीर का लड़का का सुंदर मिलकपुर से एक महिला को भगाकर ले गया था। का खुलासा किया है। घटना को अंजाम देने वाले 4 व्यक्ति हैं जिनका नाम मौसम, शौकत, सुंदर और टिंडा उर्फ फारूक हैं, जिसमें से 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अराई के बुराड़ा कस्बे के करीवाल मोहल्ले में भगवान शिव परिवार की मूर्ति प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। मूर्तियों की प्रतिष्ठा से पहले 3 दिन तक अनुष्ठान का
आयोजन किया गया, तो वहीं मूर्तियों को नगर परिक्रमा कराई गई और हवन किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा व स्थापना की गई। इस आयोजन में कई लोगों ने शिरकत की। तो आई से खबर आपको बता रहे, जहां पर भगवान शिव की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 दिन तक मूर्तियों की पूजा अर्चना की गई। राजस्थान के कोटडी उपखंड मुख्यालय से लगते क्षेत्र में हरियाली अमावस्य पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। कोटडी उपखंड का ऐतिहासिक तीर्थस्थल कोटडी चारभुजा नाथ के यहां आज पूरे दिन भर भक्तों की रेलम पेल रही तथा पैदल जत्थे के साथ ही भजन कीर्तन करते हुए नाश्ते गाते मंदिर पहुंच रहे हैं। तो वहीं कोटाज चारभुजा नाथ के यहां भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। रामगंज मंडी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने से दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। बाइक मालिक आबिद निवासी खैराबाद ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद बैंक की पार्किंग में सीसीटीवी कैमरा नहीं होने की अव्यवस्था भी सामने आई, लेकिन कृषि उपज मंडी के सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हो गई, जिसमें ऑरेंज टी शर्ट और नीली जीन्स पहने एक युवक चोर बाइक लेकर भागता हुआ दिखाई दिया। बाइक मालिक के मुताबिक बैंक के बाहर बाइक खड़ी कर करीब 20 मिनट के बाद बाहर आकर देखा तो बाइक नहीं दिखी। आसपास तलाश की गई, जिसके बाद थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और जिसके बाद मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रामगंज मंडी में नेशनल हाईवे 52 पर सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक बाइक सवार अचानक से सड़क के बीच शिवान आने से अनियंत्रित होकर फिसल गया, तो वहीं बाइक सवार फिसलने से घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया। हालांकि गनीमत रही कि दुर्घटना के दौरान बाइक धीमी गति में थी, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल डॉक्टरों ने घायल का इलाज कर उसे घर भेज दिया है और अब बाइक सवार युवक सुरक्षित है। राजस्थान के कई गुरुद्वारों में सिखों की रिहाई के लिए पोस्टर लगाए गए। तेजिंदर पाल टिम्मा, कन्वीनर सिख एडवाइजरी कमेटी राजस्थान ने बताया कि हर गुरुद्वारे में पोस्टर लगाने का यह मुख्य कारण है कि जो सिख नौजवान बेवजह सजा काट रहे हैं, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, उनको रिहा करने के लिए गुरुद्वारों में पोस्टर लगाए गए। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब के आदेश से हिंदुस्तान भर च जिहड़े जेलां च सिंह बंद है, जिन्हां नूं सजा उम्र कैद हुई सी 14 साल सजा हुई सीगी, अज उह 26 साल दी सजावां कट चुकी है। इहदे बावजूद एक सोची समझी साजिश दे तहत सरकारां उन्हां नूं जिले बंद करके बैठी है। उन्हां दी रिहाई वास्ते जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने एक मुहिम विढ़ी सीगी कि पूरे गुरद्वारिआं च जिथे विश्व भर दे गुरद्वारे आ उत्थे बंदी सिंघां दे होर्डिंग फलैक्स लाए जाण। लोकां टोंक जिले में अति संवेदनशील इलाके मालपुरा में निकलने वाली कावड़ यात्रा पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। मालपुरा में एसपी और कलेक्टर ने पंचायत समिति सभागार में शांति समिति एकता मंच हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक कर प्रशासन द्वारा तय नए मार्ग से ही कावड़ यात्रा निकालने तय किया गया और प्रशासन ने नए बाईपास सड़क का निरीक्षण कर मॉक ड्रिल की और कावड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। तो आपको बता दें कि टोंक से खबर है, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर और एसपी ने यह बैठक ली और इस बैठक में कांवड़ियों के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी कई कावड़ यात्रा जो बीसलपुर से रवाना होगी और 1 तारीख को मालपुरा शहर में चिरंतन काल से आती रही है, उसकी व्यवस्थाओं के लिए आज मैं और मैडम कलेक्टर द्वारा यहां पर सभी प्रबुद्ध लोगों से, आयोजकों से, उन सबके बीच में एक मीटिंग की गई है।
टोंक जिले के बनेठा उप तहसील मुख्यालय के पास इसरदा कॉपर डैम पानी से ओवरफ्लो हो गया है। डैम से 4 इंच पानी ऊपर आ गया और इसरदा बांध परियोजना के एईएन राम अवतार चौधरी ने बताया कि इसरदा बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने से बनास नदी पानी की आवक बढ़ी है, जिसके चलते इसरदा कॉपर डैम लबालब भरकर ओवरफ्लो हो गया है। इसरदा कॉपर डैम पर ओवरफ्लो होने से मुख्य बांध का निर्माण कार्य रोक दिया गया है और सभी मशीनों को बनास नदी से बाहर निकालकर किनारे पर खड़ा कर दिया गया है। तो खबर टोंक से आपको बता रहे हैं, जहां पर इसरदा कॉपर डैम ओवरफ्लो हो गया, तो वहीं आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर डैम से मशीनों को बाहर निकाला गया। अभी इसरदा की जो स्थिति है, इसरदा प्रोजेक्ट अभी मानसून पीरियड शुरू हो चुका है और नदी में काफ़ी पानी बढ़ चुका है, तो अभी हमें जिसके चलते गेट भी खोलने पड़े हैं। जो वहाँ कैनाल के गेट थे हमें खोलने पड़े हैं और अभी हम लोग काफ़ी ब्लॉकों पे, जो करीब 28 ब्लॉक गेटों का निर्माण इसमें होगा, तो उसमें 28 ब्लॉक बाड़मेर के बायतू थाना क्षेत्र के भीमड़ा गांव के पास गुरुवार रात एयरफोर्स का मिग प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाके के साथ आग लगी। दुर्घटनाग्रस्त प्लेन का मलबा आधा किलोमीटर तक फैल गया। हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई। वहीं मिग क्रैश की सूचना से गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर आपको बता दें कि मिग प्लेन क्रैश हो गया, तो वही इस हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई। हवाई जहाज गिरने से यहाँ पे लगभग 15 हादसे के बाद घटनास्थल पर अधिकारी पहुंचे और बाड़मेर में एयरफोर्स का मिग 21 प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें इस हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो वही इस घटना के बाद मौके पर जायजा लेने के लिए अधिकारी भी पहुंचे। रेनवाल कस्बा के पास के गांव सुंडा का बास तालाब में युवक के डूबने की सूचना मिली। चश्मदीदों के मुताबिक भैंस को तालाब से निकालते समय युवक तालाब में डूब गया, तो वही मौके पर पहुंची आपदा प्रबंधन टीम, ग्रामीण और सिविल टीम सर्च अभियान चलाकर युवक की तलाशी कर रहे हैं। इधर रेनवाल तहसीलदार वृत्ता अधिकारी लक्ष्मी सुथार, थानाधिकारी उमराव सिंह गुजर और नायाब तहसीलदार भीमराव मौके पर मौजूद रहे। तो यहां आपको बता दें कि तालाब में युवक डूब गया, तो वही मौके पर आपदा प्रबंधन टीम पहुंची और अब युवक की तलाश की जा रही है। एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर तालाब में एक युवक डूब गया, तो वही मौके पर आपदा प्रबंधन टीम पहुंचकर अब युवक की तलाशी कर रही है। तो यहीं आपको बता दें कि युवक की तलाश की जा रही है। तो साथ ही आपको बता दें कि युवक जो है वो तालाब से भैंस को बाहर निकालने के लिए गया था और इस दौरान युवक तालाब में ही डूब गया और उसके बाद मौके पर आपदा प्रबंधन टीम पहुंची, तो वही युवक की तलाश की जा रही है। ये खबर रेनवाल से आपको बता रहे हैं जहां पर तालाब में एक युवक डूब गया, तो वहीं अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि मौके पर पहुंची आपदा प्रबंधन टीम लगातार युवक की तलाश में जुटी हुई है। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।